एक गांव में दो दोस्त होते थे और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके भ्याप पर हम जाएंगे मटका लेकर के और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते बढ़िया यार चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है क्योंकि लोगों की जरूरत थी, लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात तक हम मटके धोते रहते हैं, धोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहाँ से जलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंखे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को, उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में, वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दे तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया, उसने कहा अरे तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आएंगी, पता भी है मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ 1 वजह थी पाइपलाइन बनाने की, कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? टेक्निकल, आई श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से, और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। पिछले महीने मेरे को जवाब मिल गया, सब कुछ समझ आ गया कि क्या फर्क है। मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी एकदम तेज। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी कि ज़्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा करके 2 लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहाँ पे अंकल जी थे, पीछे वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी
मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है, वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपये का, तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ, उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था, और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी, मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदें गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया, तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दो भाई, ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा, उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही, कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती। इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, क्या फर्क है उन दोनों लोगों में। देखो बहुत सिंपल है, जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है, लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है